नड्डा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पार्टी यूटी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और रणनीति पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे इलेक्शन को लेकर जो बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक इतला दी के जितने भी ट्रांसफर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो होम डिस्ट्रिक्ट है सभी अफसरान का, उन्हें वहां से निकाला जाए। इसका संकेत ये मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। असेंबली इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो नए तरह से तश्कील दिए जा रहे हैं और 20 अगस्त तक फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो पब्लिश होने की डेट है। ये एक प्रतिक्रिया होती है इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने शुरू की है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो जब भी इलेक्शंस का ऐलान करेगी, भाजपा तैयार है और भाजपा यहाँ पूर्ण बहुमत की 100% यहाँ पे सरकार बनाकर अपनी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कायम करके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम 370 के एब्रोगेशन के साथ हुआ, उस एजेंडा को आगे लेकर विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करने में योगदान देगी। अब पार्लियामानी इंतखाबात की अगर बात करें, वहां बीजेपी थोड़ा कमजोर पड़ी, ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, क्या वजह रही होगी? किसने कहा? जो आपने जितना दो सीटों में हम लड़े, दोनों हमने जीती, मैं और तीसरी मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस को लेके अगर बीजेपी की बात करें, वो तसल्ली बख्श नहीं रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? 300 सीटें एनडीए को मिली, उससे बड़ी क्या तसल्ली हो सकती? आने वाले इंतखाबात जो असेंबली के हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किस हिसाब से आप लोगों के पास? भाजपा ने जम्मू कश्मीर में एक बदलाव लाया है, एक नया जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ है जिसमें हर तबके को, हर इलाके को बराबरी का हक मिला, हर एक को उसके हक और उसके जितने भी मसाइल हैं वो हल किए गए, और एक डेवलपमेंट का नया इतिहास और एक नया पन्ना लिखा गया। आज डेवलपमेंट अरूज पे है, अमन शांति कश्मीर में बहाल हुई। पिछले 5 साल में ना पत्थरबाजी, ना कोई पैलेट गन्स, ना कोई लाशें, और वहाँ पे एक टेररिज्म की जगह टूरिज्म आया। और आपने देखा अभी हाल ही में जो अमरनाथ यात्रा, रिकॉर्ड लोग वहाँ अभी तक गए हैं, और एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी को बड़े सीरियसली लेकर सारा का सारा जो इकोसिस्टम था टेररिज्म का, उसको अटैक किया गया और जम्मू कश्मीर में एक नई फिजा बनी। उसी फिजा को आगे लेते हुए, उसी मंसूबों को आगे लेते हुए भाजपा आगे चलेगी, और जब भाजपा की सरकार यहां बनेगी, जो और कोई मसले हैं जो कि एक इलेक्टेड सरकार ही दूर कर सकती है, वो सरकार भाजपा की बनते ही महीने डेढ़ महीने के अंदर वो भी मसले हल हो जाएंगे। कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। वहीं